नमस्कार, मैं हूं अदीबा कुरैशी और आप देख रहे हैं HCN न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की पांच बड़ी खबरों पर। भीम आर्मी आज दिल्ली में करेगी हुंकार रैली। मेरठ के हॉस्पिटल से छुट्टी मिलने के बाद चंद्रशेखर दिल्ली के लिए रवाना हो गए थे। भीम आर्मी प्रमुख ने गुरुवार को ही मेरठ से ऐलान कर दिया था कि वो शुक्रवार को दिल्ली में बहुजन हुंकार रैली में हर हाल में शामिल होंगे। वहीं चंद्रशेखर के जेल से छूटने के बाद ये पहली बड़ी रैली होगी। मसूद अजहर पर चीन के रवैये का दिखा भारतीय बाजार में गुस्सा। संयुक्त राष्ट्र सिक्योरिटी काउंसिल में चीन द्वारा मसूद अजहर को ग्लोबल आतंकी घोषित करने पर वीटो लगाने और लगातार पाकिस्तान की मदद करने को देश के व्यापारियों ने इसे देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ एक बड़ा खतरा माना है और देश भर के व्यापारियों ने 19 मार्च को चीनी समाज की होली जलाने का ऐलान किया है। शीला दीक्षित ने दिल्ली में बसपा सुप्रीमो मायावती को दिया बड़ा झटका। कांग्रेस ने बहुजन समाज पार्टी मुखिया और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती को दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने बड़ा झटका दिया है। दरअसल दिल्ली के कई बसपा नेताओं को कांग्रेस पार्टी ने तोड़कर अपनी पार्टी में शामिल करने में सफलता हासिल कर ली है। वहीं आधी रात को पंजाब बॉर्डर पर हुआ धमाका आज सुबह से ही हैशटैग अमृतसर ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है। दरअसल पंजाब में पाकिस्तान सीमा के पास भारतीय वायुसेना का अभ्यास चल रहा था, उसी दौरान आसपास के इलाकों से भरी विस्फोट की आवाजें आने लग गई। इसके बाद अमृतसर शहर के लोग इसका जिक्र सोशल मीडिया पर करने लग गए। न्यूजीलैंड की दो मस्जिदों में हुई गोलीबारी। न्यूजीलैंड के क्राइस्ट चर्च की मस्जिदों में शुक्रवार को हुए हमले में कई लोगों की मौत हो गई है। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डन ने इस गोलीबारी को न्यूजीलैंड के सबसे काले दिनों में से एक बताया है। तो ये थी हमारी आज की पांच बड़ी खबरें। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए HCN न्यूज। धन्यवाद।